हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। जब भी हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई वीडियोस का फोल्डर ओपन करते हैं तो हमें उसका प्रीव्यू शो नहीं होता है, ये VLC का आइकन दिखता है। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट बटन पर जाना है और यहाँ पर लिखना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में आना है और यहाँ परफॉर्मेंस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे देखना है कि शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स टिक होना चाहिए। अगर वो टिक नहीं है तो आपके आइकन ही शो होंगे, प्रीव्यू शो नहीं होगा, थंबनेल शो नहीं होगा। तो इसे टिक कर दीजिए और अप्लाई ओके कर दीजिए। फिर जब आप अपने वीडियोज़ के फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे उसके प्रीव्यू थंबनेल दिखने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।